मेरी किचन में आपका एक बार और स्वागत है। तो आज मैं आपको कटहल की सब्जी बना के दिखाने वाला हूँ। तो कटहल की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमने 250 ग्राम से 300 ग्राम कटहल काट लिया है, धो लिया है। दो बड़े प्याज काट लिए हमने, दो टमाटर काट लिए हैं। ये हमने पांचों स्पाइस मसाले लिए हुए हैं, खड़े मसाले, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, तेज़पत्ता, ये धनिया पाउडर और जीरा पाउडर लिया हमने। ये हमने लहसुन की कलियां और अदरक को बड़े बड़े में काट लिया है। ये हमारा गरम मसाला है। ये मैंने धनिया थोड़ी सी चॉप कर ली है। ये नमक हमारा जैसे स्वाद अनुसार लगेगा और ये जीरा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम गैस पे कुकर चढ़ा के उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। उसे थोड़ा गर्म करेंगे। और जैसे ये गर्म हो जाए हम इस पे 2 चम्मच 2 टीस्पून वाली जीरा डालेंगे। और ये हमने जो सारे खड़े मसाले लिए थे, तेज पत्ता, बड़ी काली, छोटी, सारी हम इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से भुनेंगे। तो जैसे ही जीरा काली मिर्च वगैरह भुन जाए एकदम से, उसको प्याज ऐड करेंगे। जैसे 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे तो उसी देर में ये ट्रांसपेरेंट ब्राउन हो जाएगा, वही हमें चाहिए। तो ये 2 मिनट से पक रहा है। अब इसमें हम ये हरी मिर्च ऐड कर देंगे। और ये जो हमने लहसुन और अदरक बड़े बड़े काटे थे वो ऐड कर देंगे और इसे भी भून लेंगे अच्छी तरह। इसमें भी 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। ये देखिए अभी कलर बहुत ही सुनहरा हो गया है, ट्रांसपेरेंट, अच्छे से पक रहा है। ये एक्चुअली मेरे बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है जो मैंने बचपन में अपने पापा की थी, तब वो बनाया करते थे। तो हमेशा से मेरी चाह थी कि मैं भी किसी दिन ये कटहल तो प्याजा बनाऊँ उन्हीं के स्टाइल में, वो जैसे बड़े बड़े अदरक और लहसुन के टुकड़े, बड़े बड़े प्याज काट के वो ऐसे डाल के बनाते थे। बिल्कुल मैंने वैसे ही कोशिश की है और ये उतना ही टेस्टी बनेगा जितना वो बनाया करते थे, और तो शायद उनसे कम हो। तो मेरी कोशिश ये है कि बेटर हो और आप भी जब बनाएं तो आपको मज़ा आए खाने में। ये प्याज वगैरह अच्छे से भुन गया है, अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगा। ये मैंने धनिया और जीरे का पाउडर लिया तो वो ऐड करूँगा। ये गरम मसाला लिया तो वो ऐड करूँगा। 2 चम्मच नमक डालूँगा। और इसमें पानी डालने से पहले इसे 1.5 से 2 मिनट तक अच्छे से हिलाते हुए पकाएंगे ताकि मसाले, प्याज, लहसुन सब में अच्छे से कोट होकर भून जाए। दोस्तों ये पूरी तरह अच्छे से भून गया है और कुकर में अच्छे पकने लग गया है। तो जब आप स्टेज पे पहुँचे तो आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दीजिए ताकि मसाले चिपके नहीं।
और अच्छे से और भून जाए। इसे थोड़ी देर और पका लें जब तक ये पूरा पानी न छोड़ दे और तेल थोड़ा सा दिखाई ना देने लगे। तो जैसा आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन गया है और पानी भी बिल्कुल खत्म सा हो गया। तो अब इस स्टेज पे हम अपना कटहल इसमें ऐड करेंगे। साथ ही साथ थोड़ी सी धनिया डाल देंगे, उसमें थोड़ा पानी और डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम गैस का कुकर का ढक्कन लगा देंगे। एक सीटी आप तेज आंच पे करिएगा और बाकी इसके अलावा 3 से 4 सीटी आप धीमी आंच पे पकने दीजिए, क्योंकि कटहल को पकने में थोड़ा वक्त लगता है, ये बहुत हार्ड सब्जी होती है। अगर एक्चुअल में बहुत अच्छे से पक जाए तो अगर नॉन वेजिटेरियन जिन्हें नॉनवेज अच्छा लगता है वो इनको भी फेल कर देते हैं। तो अब हम इसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं तेज आंच पे, एक सीटी के बाद धीमे आंच कर देंगे, उसके बाद 3 से 4 सीटी तक और पकाएंगे और जब ठंडा हो जाए तब हम इसे खोलेंगे। दोस्तों इसे पकते हुए काफ़ी टाइम हो गया और ये पक चुका है बिल्कुल अच्छे से, तो हम गैस खोलते हैं। थोड़ी सी हवा बाहर निकाल, ये बन गई है हमारी कटहल 2 प्याज। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसे सर्व करके दिखाता हूँ, ये बहुत ही अच्छी बनी है। तो देखिए दोस्तों हमारी ये सब्जी बिल्कुल रेडी हो गई है, कटहल 2 प्याजा बोलिए, जैकफ्रूट की सब्जी बोलिए, बिल्कुल रेडी है। थोड़ी सी ग्रेवी के साथ, आप रोटी के साथ खाना चाहे रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाना चाहे चावल के साथ खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी आपको। अगर ये वीडियो और ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो आप बिल्कुल लाइक करिएगा मुझे और अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।